नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का त्यौहार 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चांद को अर्घ देकर सुहागन औरतें अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन माता पार्वती और गणेश जी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है, जिसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ की वो कौन सी कथा है जिसे सुनकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु इस कांड को वो जानती थी। उन्होंने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए और इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे उन्हें सभी प्रकार का सुख मिलेगा। आप इस कथा को सुनकर करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।